Disclaimer: Trading is only for 18 plus. Trading can cause your financial loss. Please learn about trading then participate at your own risk. Trading 18 plus के लिए होता है. Trading करने में वित्तीय जोखिम शामिल है. कृपया trading सीख के अपनी जिम्मेदारी पर करें. Don't test my patience, I'm trying to pace it. You kept me waiting, I gotta pay for you. I try to pay for you. हेलो वंस अगेन एवरीवन, आ गया हूँ नए वीडियो के साथ. और इस वीडियो में मैं आपको कैंडलस्टिक के बारे में बताऊंगा. और ये कोटेक्स का बिगनर टू एडवांस का कोर्स है. और ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस आपको दे चुका हूँ. और इस वीडियो के थ्रू मैं कोर्स को फॉरवर्ड आगे मैं बढ़ा रहा हूँ इस वीडियो के साथ. तो वीडियो में बने रहो, काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है अगर आप बिगनर हो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कैंडल क्या होता है. ठीक है, तो ये रेड एंड ग्रीन जो आपको ये बार्स दिख रहे हैं या वॉल्यूम आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी को कैंडलस्टिक बोला जाता है. ठीक है, तो थोड़ा बहुत आइडिया आपको हो गया. ठीक है, जैसे कि अगर इसकी बात करेंगे, ये ग्रीन वाले की बात करेंगे, तो ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कैंडलस्टिक का बॉडी है. और नीचे जो छोटा सा ये थ्रेड दिख रहा है, थ्रेड लाइक आपको एरिया दिख रहा है, ये कैंडल का विक होता है. ठीक है, सिमिलरली आप ऊपर देख सकते हो, ये थ्रेड वाला एरिया ऊपर तक है, यहाँ से यहाँ तक. तो ये भी कैंडल का बॉडी ये ट्राई कर रहा था फॉर्म होने के लिए, बट फाइनली ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया. ठीक है, तो ये बॉडी हो गया और इसको विक बोलते हैं. तो विक दोनों साइड हो सकता है और साइज में डिफर कर सकता है. ऊपर का विक यहाँ पे जैसे कि देखोगे आप बड़ा है, और नीचे का विक छोटा है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस कैंडल स्टिक में ऊपर और नीचे का विक थोड़ा सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. ठीक है, वहाँ यहाँ भी देख सकते हो. ठीक है, तो विक कभी बड़ा होता है कभी छोटा होता है. जैसे कि इस वाली कैंडल में देखो, यहाँ पे विक जो है नीचे की तरफ है और काफ़ी बड़ा है, और ऊपर जो विक दिख रहा है वो काफ़ी छोटा है. ठीक है, तो इस तरह से ये एक कैंडल का शेप या साइज होता है. ठीक है, तो ये कैंडल्स अलग अलग तरह के होते हैं मार्केट के अंदर. ठीक है, तो अलग अलग इनका टाइप हो सकता है कैंडल स्टिक का. मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको बेटर व्यू मिले. तो जैसे कि अगर हम इस कैंडल स्टिक की बात करेंगे, ये जो कैंडल स्टिक है, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं मारुबोजो कैंडल स्टिक. ठीक है, मारुबोजो कैंडल स्टिक में क्या होता है, मारुबोजो कैंडल स्टिक में जो कैंडल स्टिक का जो साइज होता है वो अच्छा होता है, बड़ा होता है. ठीक है, और उसमें जो विक होता है वो छोटा होता है या नहीं होता है. तो कभी कभी एब्सेंस भी रहता है या होता भी है तो छोटा छोटा होता है. ठीक है, तो और भी मारुबोजो कैंडल स्टिक का मैं एग्जांपल आपको दिखाता हूँ. ठीक है, तो ये देखो, ये मारुबोजो कैंडल स्टिक है. ठीक है, ये देखो, इसमें बिल्कुल विक नहीं है इस कैंडल में. तो ये भी एक मारुबोजो कैंडल स्टिक है. ठीक है, तो मारुबोजो कैंडल स्टिक साइज में बड़ा होगा और उसमें विक नहीं रहेगा, या अगर रहेगा तो काफ़ी छोटा छोटा रहेगा. ठीक है, तो ये मारुबोजो कैंडल स्टिक है. और ये ग्रीन कैंडल में देख लो, ये भी मारुबोजो कैंडल स्टिक है. इसमें देख सकते हो ऊपर के साइड में छोटा सा विक है. ठीक है, तो मारुबोजो कैंडल स्टिक आई होप आपको समझ में आ गया. अब हम लोग देखते हैं एबनॉर्मल कैंडल स्टिक. तो एबनॉर्मल कैंडल स्टिक काफ़ी बड़े होते हैं साइज में. ये आप कंपेयर करोगे प्रीवियस कैंडल स्टिक से, तो देखो ये कितना बड़ा है. इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये कितना बड़ा है. ठीक है, और कितना बड़ा है. और ये देखो, ये भी एबनॉर्मल कैंडल स्टिक है, ये भी काफ़ी बड़ा है. ठीक है, तो मार्केट में इस तरह के एबनॉर्मल कैंडल स्टिक भी फॉर्म होते हैं. ठीक है, उसके बाद मार्केट में हैमर कैंडल स्टिक भी फॉर्म होते हैं मार्केट के अंदर. ठीक है, तो ये देखो, ये एक हैमर कैंडल स्टिक है. हैमर कैंडल स्टिक हैमर लाइक दिखते हैं, जैसे कि ये देखो हैमर की तरह ये दिख रहा है. इसमें विक काफ़ी बड़ा होता है और कैंडल का जो बॉडी होता है छोटा होता है. ठीक है, तो और भी हैमर कैंडल स्टिक मैं आपको दिखा देता हूँ. ये देखो रेड में ये हैमर कैंडल स्टिक है,
रेड में ये भी हैमर कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो लोग बहुत सारा नाम बोलते हैं, कोई इन्वर्टेड हैमर जो उल्टा बन जाता है इन्वर्टेड बोलता है, सीधा बनता है तो उसको हैमर बोलता है, ठीक है। बट आप ओनली हैमर याद रखो, ठीक है, नाम के पीछे बहुत ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है। कैंडल्स का जो एट्रीब्यूट है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसको याद रखना, उसका साइकोलॉजी याद रखना, दैट्स एनफ, ठीक है। तो हैमर के बाद मैं बताऊंगा आपको और भी कैंडल स्टिक मार्केट में फॉर्म होते हैं, जैसे ये कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो इसमें बॉडी बीच में रहती है, ऊपर नीचे जो विक होता है ऊपर नीचे होता है, ठीक है। और उसका साइज थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, ज़्यादा डिफरेंस, जैसे देखो ऊपर का थोड़ा सा छोटा है, नीचे का थोड़ा सा बड़ा है। तो इस तरह के कैंडल स्टिक को स्पिनिंग टॉप बोलते हैं, तो ये टॉप की तरह आपको दिख रहा होगा, लट्टू की तरह, ठीक है। तो इस तरह के कैंडल को स्पिनिंग टॉप बोलोगे, ये भी देखो स्पिनिंग टॉप है, ठीक है। और उसके बाद होता है एक पिन बार कैंडल स्टिक, तो ये देखो पिन बार इसको बोलते हैं, ये देखो पिन बार लाइक दिखता है ये, तो इसको पिन बार बोलते हैं, ठीक है। ये भी ये तो उतना अच्छा पिन बार नहीं है, दिखाता हूँ और आपको, ठीक है। तो नाम के पीछे नहीं जाना, बस शेप याद रखना उसका, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा साइकोलॉजी उसका, ठीक है। तो पिन बार जो कैंडल स्टिक होता है, ये देखो पिन बार कैंडल स्टिक है, ओके। तो ये पिन बार कैंडल स्टिक है, ठीक है। अब कुछ मार्केट में छोटे छोटे कैंडल स्टिक भी फॉर्म होते हैं, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे, जिनका कोई बॉडी नहीं होता है, उनको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक, ओके। डोजी कैंडल स्टिक, जैसे कि ये देखो ये थ्रेड लाइक कैंडल स्टिक है, इसमें कोई बॉडी नहीं है, तो इसको बोलते हैं डोजी कैंडल स्टिक, ओके। तो ये भी मार्केट में आपको यूजुअली मिल जाएंगे डोजी कैंडल स्टिक। मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जल्दी से पिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसमें वॉल्यूम है, बट ये बेटर रहेगा, ये एग्जांपल बेटर है, ये डोजी कैंडल स्टिक। इसमें देख देख सकते हो कोई इसमें बॉडी नहीं है, ओनली विक आपको दिख रहा है, तो डोजी कैंडल स्टिक में विक दिखेगा। यहाँ भी देखो डोजी कैंडल स्टिक है, यहाँ भी देखो डोजी कैंडल स्टिक है, राइट। ठीक है, कुछ कैंडल स्टिक ये देखो, ये नॉर्मल कैंडल स्टिक मैं बोलता हूँ इसको, ये भी नॉर्मल कैंडल स्टिक है, ठीक है, ये भी नॉर्मल कैंडल स्टिक है, ठीक है। तो बस यही था, इसमें आपको बताना था कैंडल स्टिक का टाइप आपको बताना था मुझे, तो ये टाइप मैंने आपको बता दिया कैंडल स्टिक का। तो यही सारे कैंडल स्टिक के टाइप होते हैं, और कभी कभी मार्केट में क्या होता है कि कुछ कैंडल स्टिक जैसे लग रहा है कि वो आपको लगेगा कि यार ये हैमर है क्या, जैसे इस कैंडल की बात करूँ, बट ये हैमर नहीं है, इसका विक काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो जो बड़ा ज़रूरी नहीं है कि कैंडल स्टिक बड़ा है तभी वो एबनॉर्मल होगा, उसका विक भी अगर बहुत ज़्यादा बड़ा है तो वो भी एबनॉर्मल कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है, उसको मिस मत करना। तो वो कैंडल स्टिक साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो आपका रहेगा, ठीक है, तो उसको देखना, और इट्स माय गारंटी उससे काफ़ी सीखोगे आप, ठीक है। सो यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अगली अगले क्लास के साथ, अगले टॉपिक के साथ, ठीक है, अगले टॉपिक के साथ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, और मिलेंगे अगले वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी अर्निंग, बाय, टेक केयर। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, यहाँ मैं आपको फ्री सिग्नल्स देता हूँ, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो और आप अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो।